साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी आस थी कि राहत मिलेगी, आस थी कि जेल से बाहर आएंगे और आस ये भी थी कि ईडी को फटकार लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक की याचिका को खारिज कर दिया और बड़ी बात ये रही कि एंटरटेन करने तक से इनकार कर दिया, सुनने तक से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से सबसे बड़ी कील नवाब मलिक पर ही ठोक दी है, क्योंकि भले नवाब मलिक को 6 मई तक के लिए जेल भेजा गया है लेकिन ये 6 साल तक होने जा रहा है, क्योंकि फैसले में अंदर की जो बात है वो बेहद ही खास है। मलिक के वकील कपिल सिब्बल ने खुद कोर्ट में कह दिया कि आगे बहुत बुरा होने वाला है, मलिक की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, लेकिन शायद नवाब मलिक को खुद की गर्दन इतनी बुरी तरह फंसने का एहसास भी नहीं होगा। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अंदर की बात, पूरा फैसला डिकोड करते हुए आपको बताते हैं आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, सब कुछ आपको दिखाएंगे बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाब मलिक के लिए कितनी मुश्किलें लेकर आने वाला है। तो नवाब मलिक को देश की सबसे बड़ी अदालत से जो उम्मीद थी वो टूट गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वो हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देंगे और अगर जमानत चाहिए तो प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ लोअर कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात अभी नहीं सुनी जाएगी, आपकी पिटीशन एंटरटेन नहीं की जा सकती और इसे डिसमिस किया जाता है। कपिल सिब्बल ने कई तरह की दलीलें दी, कई बातें बताई, अर्णब गोस्वामी का मामला रखा, कानून कब बना ये भी बताया, ईडी की बाकी की कहानी भी बताई, लेकिन हर बार और बार बार सुप्रीम कोर्ट का जवाब यही होता कि आपकी बात सुन नहीं सकते, आपकी बात को आपकी याचिका को एंटरटेन नहीं कर सकते, आप निचली कोर्ट में जाइए और ये पिटीशन यहीं पर खारिज है। अब ये फैसला कुछ ही लाइन का था, छोटा सा था, लेकिन कुछ लाइन का ये ऑर्डर बेहद ही महत्वपूर्ण है। नवाब मलिक की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ा सकता है या कहें कि बढ़ा दी है, उसका खुद नवाब मलिक को जेल के अंदर एहसास नहीं है और इसीलिए पूरा सिलसिलेवार तरीके से आदेश आपके सामने डिकोड करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि इस आदेश का मतलब क्या है, आगे क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आपकी याचिका फिलहाल नहीं सुनी जा सकती, तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब नवाब मलिक के पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प तुरंत राहत के लिए खत्म हो गया, यानी कि नवाब मलिक को अंतरिम राहत अब कहीं से भी नहीं मिलेगी। लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया है और वो फिलहाल जेल में ही रहेंगे और अगर उन्हें जेल से बाहर आना है तो जमानत की याचिका लगानी होगी, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई और बात नहीं चलेगी। यही नहीं, नवाब मलिक की गिरफ्तारी भी पूरी तरह से वैध है, लीगल है, ईडी की कार्रवाई भी पूरी तरह से प्रोसीजर के तहत है और ईडी की कार्रवाई भी लीगल है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी अपने फैसले के जरिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के इस पूरे एक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाया। आगे देखिए, नवाब मलिक को अंतरिम राहत नहीं मिली है तो पूरी राहत यानी कि बेल भी नहीं मिलने वाली है। जी हां, और ये बात खुद नवाब मलिक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कह दी। सुनवाई के दौरान मलिक के वकील कपिल सिब्बल से जब कोर्ट ने कहा कि आप जमानत के लिए निचली कोर्ट जाइए तो सिब्बल ने कहा कि पीएमएलए कोर्ट में हमें जमानत नहीं मिलेगी, वहां से हमें जमानत नहीं मिलने वाली है क्योंकि वहां 5000 पेज की चार्जशीट फाइल हो चुकी है और उस पर सुनवाई होगी, लिहाजा पीएमएलए कोर्ट हमें जमानत नहीं देने वाला है। यानी कि नवाब मलिक को अंतरिम राहत नहीं मिली है, जमानत भी नहीं मिलने वाली और खुद मलिक के वकील ने मान लिया है। यही नहीं, पीएमएलए एक्ट के तहत हुई कार्रवाई को भी प्राइमरी तौर पर सही मान लिया क्योंकि इस पर सवाल उठाए नहीं, लिहाजा अब मलिक को अगले कुछ हफ्ते, कुछ महीने नहीं बल्कि कुछ सालों तक जमानत नहीं मिलने वाली और हो सकता है कि 6 मई नहीं बल्कि 6 साल तक मलिक सलाखों से बाहर ना आ पाए। जी हां, ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएमएलए एक्ट इतना खतरनाक है कि आरोपी की पूरी जिंदगी लग जाती है लेकिन वो बच नहीं पाता और अगर दोष साबित हो जाए तो फिर तो उसका बचना या फिर जेल से बाहर आना बेहद मुश्किल हो जाता है, पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है, सड़क पर आ जाता है और यही यहां पर नवाब मलिक के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। आगे देखिए, नवाब मलिक की संपत्तियां अटैच हो चुकी हैं, जब्त हो चुकी है और मलिक को जमानत नहीं मिलने वाली है और बड़ी बात यह है कि अब तक ईडी नवाब मलिक के बेटों पर एक्शन से बच रही थी, ईडी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का या कहें कि सुप्रीम कोर्ट की लाइन का इंतजार कर रही थी कि आखिर कोर्ट क्या कहती है, किस लाइन पर कहती है और अब
जब सबसे बड़ी कोर्ट ने फैसला दे दिया है और ईडी के ही पक्ष में दिया है, तो उससे ईडी की कार्रवाई भी सही साबित हो गई है। तो साफ है कि अगले कुछ दिनों में नवाब मलिक के दोनों बेटों पर भी एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी को जबरदस्त जोश और बूस्ट मिला है। ईडी ने कुछ दिन पहले नवाब मलिक की कुछ संपत्तियां अटैच की थी और अब हो सकता है कि नवाब मलिक की बाकी संपत्तियों पर भी ईडी एक्शन करे या फिर अटैच करने जैसी कोई कार्रवाई करे, क्योंकि ईडी के हौसले बुलंद हो चुके हैं और ईडी अब और ज्यादा तेजी और ज्यादा पुख्ता तरीके से काम करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से गो अहेड मिल चुका है। अब आखिर में एक और लेकिन सबसे बड़ी और घनघोर बात वो ये है कि इस पूरे मामले में अब एनआईए की एंट्री हो सकती है। जी हाँ, मामला टेररिंग, डी गैंग और देश विरोधी लोगों से जुड़ा हुआ है, तो एनआईए की एंट्री होना पहले से ही तय माना जा रहा था, लेकिन अभी तक एनआईए भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट की लाइन का इंतजार कर रही थी। लेकिन अब जब कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर कोई सवाल नहीं उठाया, कोई रोक नहीं लगाई है, तो एनआईए को भी इससे ताकत मिली और एनआईए बहुत जल्द अपना एक्शन कर सकता है। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला छोटा और कुछ लाइन का जरूर था, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं और इतने बड़े हैं कि नवाब मलिक के लिए बहुत बड़ी आफत लेकर आ चुके हैं और मलिक की आफत को कई गुना तक आगे बढ़ा दिया और संभावना तो यहां तक जताई जा रही है कि शायद ही मलिक अब इस केस से कभी छुटकारा पा पाए और शायद ही नवाब मलिक हाल फिलहाल जेल से बाहर आ पाए, या कहें कि लंबे समय तक जेल से बाहर आ पाए, ये फिलहाल संभव दिखता नहीं है। तो आपका क्या मानना है, नवाब मलिक के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितनी बड़ी आफत लेकर आया है, कितनी बड़ी आफत नवाब मलिक की बढ़ने वाली है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक पर आफतों का पहाड़ हर रोज ही टूट रहा है, हर रोज ही मुश्किलें नई नई खड़ी हो रही है। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। करीब 5000 पेज की इस चार्जशीट में मलिक पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, कई दावे किए गए हैं और मलिक के डी गैंग से रिश्तों, हसीना पारकर के साथ कारोबारी संबंध और कैसे नवाब मलिक के पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में हुआ, इसका पूरा लेखा जोखा है, आरोपों की पूरी झड़ी है, पूरी तरह से दावे किए गए हैं। अब नवाब मलिक के लिए वैसे तो ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि गिरफ्तारी के 2 महीने के अंदर ही ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है, जिससे ईडी की तेजी का, ईडी की पुख्ता तैयारी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईडी कितनी डेस्परेट है नवाब मलिक को सजा दिलवाने के लिए और कितनी ज्यादा तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि चार्जशीट फाइल करने के लिए 6 महीने का वक्त होता है, मगर यहाँ तो सिर्फ 2 ही महीने में चार्जशीट फाइल कर दी गई। अब नवाब मलिक चार्जशीट के सदमे से उबर पाते, चार्जशीट का गम उनका कम होता, उससे पहले ही अगला हमला हो गया और इसी कोर्ट में वो हमला हुआ, इसी बार वो हुआ, इसी सुनवाई या कहें कि इसी केस में हियरिंग के दौरान हुआ। इस बार तो सबसे बड़ा अटैक था, सबसे बड़ी कार्रवाई थी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ कोर्ट के अंदर और इस बार सीधे सीधे नवाब मलिक के दोनों बेटों पर आंच आ गई। ईडी ने कोर्ट में साफ साफ बताया कि नवाब मलिक के बेटे आमिर मलिक और फराज मलिक को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और एक बार नहीं बल्कि कई बार समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक भी बार आने की जहमत नहीं उठाई। ईडी ने कोर्ट को बताया कि आमिर मलिक, फराज मलिक पूछताछ के लिए नहीं आए हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और किसी भी तरह से केस को आगे बढ़ाने में किसी भी तरह की कोई मदद, कोई सहयोग नहीं कर रहे। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।